हेलो, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप यूट्यूब पे जो है सो 24/7 जो है सो लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं और बिना किसी दिक्कत के, और 24 घंटे चलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो चीज़ होगा आपको आपको जो ये डिसाइड करना है कि 24/7 लाइव स्ट्रीम करने के लिए कि आपके आपके पास डेटा होना चाहिए, मतलब लाइव स्ट्रीम करने के लिए डेटा होना चाहिए बहुत सारा। और अगर मेरे हिसाब से देखा जाए, जहाँ तक मुझे पता है, मैंने जितना भी लाइव स्ट्रीम किया है आज तक, उसके हिसाब से मुझे लगभग प्रत्येक एक घंटे का जो है लगभग 1 GB के आसपास डाटा ख़त्म होता है। अगर आप HD में कर रहे हैं तो एक घंटे का जो वीडियो अगर आप लाइव स्ट्रीम कीजिएगा तो 1 GB ख़त्म होगा। उस हिसाब से आपको उस हिसाब से रुक जाइए, कैलकुलेटर निकालने दीजिए, अभी का अभी निकाले थे फिर बंद कर दिए। उस हिसाब से आपको 24 घंटे में चाहिए, ये गुने का सीन कहाँ है भाई, हाँ 24 GB और एक मंथ में चाहिए 720 GB पर मंथ चाहिए, 720 GB पर मंथ। और आपको पता होगा कि 720 GB पर मंथ अगर आप इंडिया में अगर आप डाटा ख़रीदते हैं, वैसे तो ये बहुत लगभग हर एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको 720 GB पर मंथ नहीं देगा, लेकिन अगर आपको कोई प्रोवाइड भी करेगा तो वो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा अगर आप मतलब स्ट्रीम करना चाहेंगे। और उसके बावजूद भी आपको एक अपना कंप्यूटर होना चाहिए जो 24/7 रन करना चाहिए, और ये बड़ा ही मुश्किल काम है 24/7 कोई कंप्यूटर रन करे, कंप्यूटर पे भी लोड आ जाता है। तो इसीलिए आप एक काम कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि आप VPS ले सकते हैं, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर खरीद सकते हैं। और अभी मैंने जितने भी लाइव स्ट्रीम किए, मैंने बहुत सारे लाइव स्ट्रीम किए हैं PewDiePie vs T-Series का, तो मैंने भी VPS जो है सो लिया था, ख़रीदा था। तो VPS वर्चुअल प्राइवेट सर्वर जो है सो खरीदने के बाद आप जो है सो उसके बाद आप सेटअप कर पाएंगे। लेकिन अब वर्चुअल प्राइवेट सर्वर अगर आप ख़रीदना मतलब चाहेंगे तो बहुत सारे जो सर्वर है बहुत महंगा रहता है, GoDaddy हो गया, HostGator हो गया, और भी बहुत सारे जो है सर्वर मतलब सर्वर प्रोवाइडर है वो बहुत ही ज़्यादा महंगा रहता है। तो मेरे पास दो VPS का आपको मतलब लिंक दूंगा, दो VPS का लिंक दूंगा जो कि बहुत ही सस्ता जो है सो VPS प्रोवाइड करते हैं। पहला जो है वो है VULTR.com, vulture.com क्या बोलते हैं, जो भी हो ये इसका देख लीजिए लिंक, ये रहा VULTR.com। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन यही एक वेबसाइट है जिससे कि आप VPS खरीद सकते हैं। ये बहुत ही सस्ता जो है सो VPS प्रोवाइड करता है, बहुत ही सस्ता। और इससे भी एक अच्छा अगर आप कोई देखेंगे, इससे भी अच्छा अगर कोई VPS मैंने है, हालांकि उसे मैंने ट्राई नहीं किया है, लेकिन इससे भी एक अच्छा VPS है, उसका नाम है अभी दिखाते हैं, हेटजनर क्लाउड है, ये रहा इसका लिंक, आपको इस लिंक पे जाना है। ये यहाँ से hedgenerclaud.com पे, और इसमें जाइएगा तो ये सब बहुत सस्ता जो है सो प्रोवाइड करता है आपको मतलब VPS। देख सकते हैं आप यहाँ पे, यहाँ पे इसका 2.49 यूरो जो है सो पर मंथ है, और ये 1 GB देता है, 1 CPU देता है, 2 GB रैम देता है, 20 GB हार्ड डिस्क स्पेस देता है, और 20 TB हार्ड डिस्क सॉरी 20 TB ट्रैफिक और 20 TB नेट पर मंथ जो है सो बहुत ही ज़्यादा होता है। मैंने क्या बताया था आपको, कितना होता है 300-400 के आसपास था, 400 GB, लेकिन 20 TB देता है, मोर देन इनफ है आपका जो है सो मंथली जो है सो लाइव स्ट्रीम करने के लिए।
और लेकिन एक बात मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप जो है सो 1 CPU वाला वर्जन जो है सो ना परचेज करें, ना ही 2 CPU वाला वर्जन परचेज करें। आप सीधे या तो आप 8.90 यूरो जो है मतलब ये 2 CPU 8 GB RAM वाला परचेज करें, या उससे ऊपर कोई भी परचेज करें, क्योंकि इससे नीचे का अगर आप परचेज कीजिएगा तो लाइव स्ट्रीमिंग करते समय जो है सो आपका लैग करेगा, या फिर जो है इसी तरीके का कोई प्रॉब्लम होता है लैग करना, या फिर क्वालिटी ठीक ना होना इसी तरीके का। और अगर आप मतलब 8.90 यानी कि ये लगभग आता है मेरे ख्याल से 800 रुपया के आसपास, 800-900 रुपया के आसपास आता है 8.90 मंथली। इसको कॉपी कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। 8.90 कॉपी नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। कॉपी क्या हो गया यार, खुल गया। 8.90 पर मंथ है, ये वाला आप प्लान ले लीजिएगा। तो उसके बाद आपको जो है होगा ये कि आपका जो है मतलब क्या कहते हैं, आप जब सर्वर मतलब ले लीजिएगा उसके बाद आपको कैसे भी करके सर्वर में आप Ubuntu इंस्टॉल करना है, Ubuntu या विंडोज जो भी इंस्टॉल करना चाहे कर सकते हैं आप। ये बड़ा आसान प्रोसेस है, ये आप खुद फिगर आउट कर सकते हैं कैसे करना है, मतलब इंस्टॉल करना है Ubuntu या फिर मतलब कोई भी जो है सो ऑपरेटिंग सिस्टम। ये वन क्लिक होता है जनरली, लेकिन उसके बाद असली प्रॉब्लम शुरू होगा। हम आपको Ubuntu रिकमेंड करेंगे क्योंकि Ubuntu लिनक्स है और लिनक्स सिक्योर भी है, और सबसे फेमस है लिनक्स में Ubuntu। और मैं आपको ट्यूटोरियल में Ubuntu के बारे में बताऊंगा कि अगर आप Ubuntu का सर्वर लेंगे तो आप जो है सो कैसे आगे प्रोसेस करेंगे। इसलिए आप उम्मीद ज़्यादातर आप यही करें कि Ubuntu लें, और अगर आप विंडोज़ लेंगे तो विंडोज़ के लिए अलग से चार्जेस लेता है वो VPS, तो इसलिए विंडोज़ ना ही ले तो बेहतर है। वैसे भी विंडोज़ को विंडोज़ लेना है तो ज़्यादा CPU वाला ले, ये $15 या फिर सॉरी यूरो 29 यूरो वाला जो है मतलब कहने का मतलब जो भी है वो वाला ले, 4 CPU 8 CPU वाला ले, क्योंकि अगर उससे कम लीजिएगा तो विंडोज में जो है सो लैग करेगा। तो इसलिए Ubuntu ले ले, और 8.90 यार इसको ये कॉपी क्यों नहीं हो रहा था, जो भी हो। हाँ तो ये वाला जो है आप पैक ले लीजिएगा, और उसके बाद आपको करना ये है कि वर्चुअल प्राइवेट सर्वर जो है सो पे Ubuntu इंस्टॉल करना है। और ये Ubuntu इंस्टॉल करने के बाद ये वन क्लिक होता है, आप कुछ फिगर आउट कर सकते हैं कि मतलब आप कैसे जो है सो इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद आपका जो है सो आपको जो ओपन कीजिएगा उसको कॉन्सोल से, तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, मतलब आपको जो है सो टर्मिनल खुलेगा सीधा सीधा आपका जो है मतलब टर्मिनल खुलेगा, वो नहीं खुलेगा क्या कहते हैं GUI नहीं खुलेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा डेस्कटॉप ऐसा नहीं खुलेगा, वो सीधे आपको जनरली टर्मिनल देता है। अगर कोई टर्मिनल के सीधे GUI दे रहा है, डेस्कटॉप दे रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रहा अगर तो जनरली आपको जो है सो टर्मिनल ही देता है। तो टर्मिनल में आपको GUI इंस्टॉल करना है, पहले डेस्कटॉप इंस्टॉल करना है। तो डेस्कटॉप इंस्टॉल करने के लिए अगर आपका Ubuntu है तो आपको बता देते हैं, आपको एक कमांड रन करना पड़ेगा, जनरली एक जो एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ता है, लेकिन वो ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, तो इसलिए जो है आपको सिर्फ कमांड रन करना है। उस कमांड का नाम है टास्क सेल, टास्क सेल टाइप करना है और एंटर मार दीजिए। थोड़ी देर बाद ये खुल जाएगा, कुछ हाँ कुछ इस तरीके का खुलेगा। और उसके बाद आपको जो है सो नीचे ले जाके इस मतलब क्या कहते हैं अपने कंप्यूटर का जो एरो की होता है उसे डाउन कीजिएगा, और उसके बाद सीधे Ubuntu डेस्कटॉप ढूंढिएगा। यहाँ पे ये देखिए Ubuntu डेस्कटॉप है, यहाँ पे स्टार पहले से लगा हुआ है क्योंकि मेरा Ubuntu डेस्कटॉप ऑलरेडी इंस्टॉल है। अगर आपका जो है सो जनरली सर्वर में ये स्टार नहीं होगा, हटा हुआ होगा, तो इसको आपको स्पेस बार की दबाइएगा तो स्टार आएगा, उसके बाद टैब दबा के ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। तो मेरा चूंकि इंस्टॉल है तो इसलिए ये रन नहीं कर रहा है, लेकिन आपका इंस्टॉल होगा। और उसके बाद सर्वर रीस्टार्ट कीजिएगा तो आपका जो है सो कुछ इस तरीके का GUI मिलेगा जैसा मेरा डेस्कटॉप है, ठीक है। Ubuntu का ये 1604 वाला है, यूनिटी है, लेकिन फिर भी जो है सो आपका जनरली
अगर आप जो है मतलब इसी तरीके का कुछ मिलेगा, डेस्कटॉप मिलेगा जनरली, या 1604 है यूनिटी डेस्कटॉप है, उबंटु का डेस्कटॉप थोड़ा इससे डिफरेंट होता है, लेकिन कोई बात नहीं, दोनों लगभग सेम ही है। अब नेक्स्ट स्टेप करना है आपको OBS डाउनलोड करना है। OBS स्ट्रीमिंग के लिए, स्ट्रीमिंग का सॉफ्टवेयर है, और OBS डाउनलोड करने के लिए आपको जो है सबसे पहले एक आपको जो है सो अति में जाना है, मतलब सर्च बार में, और कैसे उबंटु सॉफ्टवेयर सेंटर ढूंढना है, सॉफ्टवेयर सेंटर। सॉफ्टवेयर सेंटर ढूंढने के बाद उसको ओपन कर लेना है। सॉफ्टवेयर सेंटर जब ओपन हो जाए तो उसमें सर्च करना है यहाँ पे सिनेप्टिक, SYNAPTIC सिनेप्टिक पैकेज, पैकेज में यहाँ पे आ गया, देख सकते हैं सिनेप्टिक पैकेज मैनेजर आ गया, आ गया, PSC तक ही टाइप किए तो आ गया, और इसको इंस्टॉल कर लेना है। मेरे में ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, हम इसको उसके बाद इसको लॉन्च करना है, हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। उसके बाद पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड दे दीजिएगा, जो भी आप सर्वर इंस्टॉल करते समय सेट किया था। उसके बाद सिनेप्टिक पैकेज मैनेजर खुल जाएगा, जबकि मेरा सिनेप्टिक पैकेज मैनेजर खुल गया है। अब इसमें जो है सो आपको सर्च करना है क्या, OBS, इसमें OBS सर्च करना है, और सर्च में ले दीजिए, हाँ सर्च हो रहा है, और ये बहुत सारा आएगा, इसको सबसे नीचे ले जाना है स्क्रॉल करके, ऐसे करके स्क्रॉल करके नीचे ले जाना है। कहाँ है, OBS कहाँ है यार, OBS कहाँ है, GHI O पे ले जाना है, O पे, O मैन O, P पे आ गए हैं, मैन O, इससे पहले O होगा, O O O O से B, ये रहा OBS Studio, OBS Studio जो हो उसको सेलेक्ट कर लेना, मेरा सेलेक्टेड है, और इसको मार्क करने के बाद उसके बाद यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए ग्रीन कलर का दिखा रहा है, देख सकते हैं आप, लेकिन अगर नहीं इंस्टॉल होगा तो इसको यहाँ पे क्लिक करने के बाद इंस्टॉल मार्क कर लेना है, उसके बाद अप्लाई पे क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद इंस्टॉल हो जाएगा। अब इसको हटाइए, इसका काम हो गया, और इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको OBS मिल जाएगा, उसके बाद OBS ऑन करना है, और आपका वेब ब्राउज़र ऑन करना है। वेब ब्राउज़र ऑन करने के बाद आपका यूट्यूब चैनल खोलना है, यूट्यूब चैनल में क्रिएटर स्टूडियो में जाना है, क्रिएटर स्टूडियो कुछ इस तरीके का आपका यूट्यूब चैनल खुलेगा, रुक जाइए खोल के दिखाते हैं आपको। खुल जा सिम सिम, OBS भी खुल गया, उसमें क्रिएटर स्टूडियो में जाना है, यहाँ पे डेस्कटॉप के मतलब यहाँ साइड में होता है क्रिएटर स्टूडियो, यहाँ पे जो आपका जहाँ पे आइकन दिखेगा उस पर क्लिक करना है, और उसके बाद इसी में क्रिएटर स्टूडियो आता है, उसको खोल लेना है। ये क्रिएटर स्टूडियो खुल जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पे साइड में लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन है, लाइव स्ट्रीमिंग, इस पर क्लिक करना है। लाइव स्ट्रीमिंग खुल जाएगा, कुछ इस तरीके का खुलेगा। आपको उसके बाद आपको करना ये है कि आपको थंबनेल सेलेक्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करके कोई भी थंबनेल जो आप जो है सो अपने लाइव स्ट्रीम में, आपका लाइव स्ट्रीम का जो थंबनेल होगा उसको थंबनेल यहाँ से चूज करना है, ये खुल जाएगा। और उसके बाद थंबनेल सेलेक्ट करने के बाद आपको करना ये है, इसका टाइटल अच्छा से डाल देना है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन डाल देना है, और नीचे में आइएगा तो यहाँ पे दो है सर्वर URL,
और स्ट्रीम की, तो आपको जो है सो स्ट्रीम की को रिवील करना है। हम यहाँ रिवील नहीं करने वाले, क्योंकि अगर आप हम रिवील कर देंगे तो कोई भी मेरे यूट्यूब चैनल पे स्ट्रीम करने लगेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे रिवील पे क्लिक करने के बाद रिवील कर लीजिएगा स्ट्रीम की को, और उसके बाद उसको कॉपी कर लीजिएगा। हम रिवील नहीं करने वाले हैं। और सर्वर यूआरएल वैसे जनरली ओबीएस में ज़रूरत नहीं होता है, कभी कभी आप डाल भी सकते हैं, ऑप्शन है आप डालना चाहते हैं या नहीं, लेकिन उसके बिना भी ले लेगा। सिर्फ स्ट्रीम की आपको कॉपी कर लेना है, उसके बाद आपको इसको काट देते हैं। ओबीएस में ओपन करने के बाद ओबीएस में साइड में यहाँ पे सेटिंग होगा, उस सेटिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ जाना है स्ट्रीम पे, स्ट्रीम पे क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ कस्टम स्ट्रीमिंग है, हम कस्टम स्ट्रीमिंग लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे यूआरएल है, लेकिन आप स्ट्रीमिंग सर्विसेज पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद ट्विच के जगह यूट्यूब सेलेक्ट कर दीजिएगा, यूट्यूब गेमिंग। इसमें कौन सा है, देखिए मिक्सचर है, स्नैपचैट, ये रहा यूट्यूब गेमिंग। यूट्यूब गेमिंग सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद शो ऑल सर्विसेज यूट्यूब प्राइम रेंज सर्व, इसको वैसे ही रहने देना। उसके यहाँ पे स्ट्रीम के पेस्ट करना, ठीक है, स्ट्रीम की जैसे ही पेस्ट कीजिएगा उसके बाद इसको ये नीचे से अप्लाई कर देना है, और फिलहाल मैं उसको वैसे ही रहने देता हूँ। अरे यार क्या हुआ, हाँ और उसके बाद इसको अप्लाई कर दीजिएगा, और जो है सो उसके ओके कर दीजिएगा। हम फिलहाल कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि हमको चेंज नहीं करना है। उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, उसके बाद आप इस डेस्कटॉप में जो है आप जो भी आप इस डेस्कटॉप में सेटिंग कीजिएगा, जो भी आप दिखाना चाहते हैं इस डेस्कटॉप में, जैसे कि यहाँ पर आप हमको देख सकते हैं, फिलहाल हम यहाँ पर पीछे में, आप जो भी इस डेस्कटॉप पे मतलब कहने का मतलब इस फील्ड में आपको क्या कहते हैं लाइएगा, और उसके स्टार्ट स्ट्रीमिंग पे क्लिक कीजिएगा, तो वो जो है सो लाइव स्ट्रीम करना शुरू कर देगा यूट्यूब पे, ठीक है। और आप स्ट्रीमिंग पे क्लिक करने के बाद स्ट्रीम होने दीजिएगा, और आप सर्वर से अपना एग्जिट हो जाइएगा और अपना काम कीजिएगा, और समय समय पर आके आप सर्वर पे चेक करती रहिएगा कि मतलब आपका सर्वर ठीक से काम कर रहा है या नहीं प्रॉपरली। तो आपको यहाँ पे सेटअप कैसे करना है OBS, मतलब कहने का मतलब कि OBS में आप जो भी दिखाना चाहते हैं, वीडियो दिखाना चाहते हैं, ऑडियो दिखाना चाहते हैं, कुछ भी दिखाना चाहते हैं, वो आपको यहाँ लाना है। और ये सीन वन सीन टू, और यहाँ पे जो है सो वीडियो जो है सो कुछ भी दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है। अगर आपको ये आपको पता नहीं है OBS कैसे यूज करते हैं, तो इसके लिए आप ऑनलाइन ट्यूटोरियल जाकर देख सकते हैं, लेकिन OBS से ही आप स्ट्रीम कीजिएगा, और ऐसे स्ट्रीम पे जैसे क्लिक कीजिएगा वो स्ट्रीम करना शुरू कर देगा, और उसके बाद आपको जो भी इस स्क्रीन के अंदर चल रहा होगा वो जो है सो आपके YouTube चैनल पे दिखना शुरू हो जाएगा, और ये 24 घंटे चलते रहेगा जब तक कि आप चाहते हैं उसको चलते रहे, ठीक है। और इसके अंदर आप बहुत सारा स्ट्रीमिंग कर सकते हो, जैसे कि टी सीरीज वर्सेस प्यूडीपाई का जो भी झगड़ा झमेला चल रहा है वो, या फिर आप वीडियो चला सकते हैं कोई भी 24/7, या नेचर का सॉन्ग मतलब रिलैक्सिंग वीडियो चला सकते हैं 24/7, कुछ भी आप चला सकते हैं, या कोई लाइव इवेंट है आप शेयर करना चाहते हैं तो वो लाइव इवेंट शेयर कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ इसके थ्रू। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टोटली अच्छा लगा होगा, और क्या है इसमें बताने के लिए, और तो कुछ है नहीं, और तो कुछ है नहीं। तो इसी तरीके से 24/7 जो है स्ट्रीम किया जाता है यूट्यूब पे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। अगर OBS सीखना है, OBS कैसे यूज करते हैं, तो आप जो है सो ट्यूटोरियल देख सकते हैं नेट पे जाके, लेकिन जनरली OBS से ही सारे स्ट्रीम होते हैं आपने मतलब यूट्यूब चैनल पे। और भी बहुत सारा स्ट्रीमिंग का मतलब ऑप्शन है लाइव स्ट्रीमिंग में, जैसे कि आप डायरेक्ट अगर आप वीडियो अपने फेस को या फिर कैमरा को या स्क्रीन रिकॉर्ड करके स्ट्रीम करना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ से स्ट्रीम कर सकते हैं स्ट्रीमिंग में। लेकिन जनरली आपको स्ट्रीम नाउ पे क्लिक करके स्ट्रीम की का ध्यान रखना है, इसको रिवील नहीं करना है, किसी को बताना नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी को बता दीजिएगा स्ट्रीम की, तो कोई भी आपके चैनल पे स्ट्रीम कर पाएगा। आपको स्ट्रीम की ही बस कॉपी करना है, और OBS में जाकर जहाँ मैंने बोला है वहाँ पर जाकर पेस्ट करना है। अगर आपको ज़्यादा जानना है तो OBS का ट्यूटोरियल देखिए। लेकिन वर्चुअल प्राइवेट सर्वर ही एक ऐसा तरीका है जिससे आप 24/7 जो है
लाइव स्ट्रीम कर पाएंगे अपने YouTube चैनल पे। ठीक, आपको डेस्कटॉप कंप्यूटर की तरह मिलेगा, मतलब सर्वर। और अगर आपका डेस्कटॉप नहीं मिल रहा है, आपका जनरली वही मिलता है कमांड प्रॉम्प्ट से, तो मैंने बताया था कि कैसे टास्क सेल रन करके जो है सो आप उसके बाद क्या कहते हैं डेस्कटॉप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप जो है सो स्ट्रीम कर पाइएगा। उम्मीद करता है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप गूगल पे या फिर यूट्यूब पे सर्च कीजिए उस बारे में। अगर कोई भी डाउट आया है आपको तो गूगल और यूट्यूब पे सर्च कीजिए, और वो जो है सो उससे जो है आपको जो है सो पता चल जाएगा, एक आइडिया लग जाएगा कि आप क्या मिस कर रहे हैं। तो उम्मीद करता है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी के साथ आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।